तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज तो सुबह के 11 बज चुके हैं और आज थोड़ा सा लेट, बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ब्लॉग को अपने। और आज जा रहा हूँ थोड़ा सा गांव में, और गांव में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे है बरसी, हमारे ही परिवार में है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर खाना है दोपहर का, तो वहाँ थोड़ा सा काम वगैरह करेंगे और इसलिए थोड़ा सा जाना पड़ रहा है। और मेरे साथ जा रहा है आज दिग्गू भी है इधर, ये भैया का लड़का, हमारे मेरे भैया का लड़का है, तो ये भी जा रहा है मेरे साथ, तो ये देख सकते हो आप। तो अभी लेके चलते हैं आपको गांव में पहले, और फिर वहां गांव में मिलते हैं जहां पे खाना पीना बन रहा है। सड़क में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे बांस के बहुत ही ज़्यादा पेड़ हैं, तो ये आप देख सकते हो चारों तरफ ये बांस के पेड़ वगैरह यहाँ पे काफ़ी हैं, और जिससे छाया भी आ रही है नीचे। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम, रोड में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे सामने दुकान भी है एक भैया की। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये गोरणा गांव का बोर्ड, और ऊपर भी और नीचे भी गांव है यहाँ पे, और ये सामने दुकान है भारत भैया हमारे, उनकी दुकान। तो जिसको भी सामान वगैरह चाहिए होगा तो यहाँ पे आ सकता है। तो गाइज, यहाँ पे खाना बनना स्टार्ट हो चुका है, और पंडित जी जो हैं खाना बांटना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सभी लेडीजें बैठी हुई हैं, और इससे पहले वाले छलके में जेंट्स बैठ चुके हैं, तो ये देख सकते हो आप। फाइनल गाइस, शाम के 4 बज चुके हैं और मैं पहुंच गया हूं घर में, लेकिन बहुत ही भयंकर तूफान हो रहा है इधर। और गाइस, कैसे करके पहुंचाऊं, देखो बाल भी पूरे ऐसे हो गए, बिखर गए हैं पूरे, तो ऐसा मतलब भयंकर तूफान हो रहा है। और पीछे बारिश भी लग गई है, और बारिश भी ऐसी ज़बरदस्त वाली लग रही है, उधर की तरफ तेज़ है, यहाँ थोड़ा हल्की हल्की पड़ रही है अभी, तो लगभग अभी बारिश बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ये लगा लो आप। तो गाइस, शाम को गांव से घर आ गया था, तो जब बहुत तेज़ आंधी और उसके बाद बारिश हुई बहुत तेज़ की, और बारिश इतनी भयंकर हुई उसके बाद, तो उसके बाद बारिश में तो अंदर ही थे कमरे में, और बाकी ब्लॉग तो बना नहीं पाए बाहर का। तो गाइस, बहुत ही तेज़ की बारिश हुई, तो उस समय से थोड़ा सा अभी अब इस समय बंद है। तो गाइस, श्रियांश की मम्मी आज गाँव में जा रखी थी रोटी बनाने, और एक जगह सगाई थी तो वहाँ से, और अभी बोतल लेने आ रखी है पानी की, तो अभी चलेंगे खाना खाने नीचे। तो गाइज, अभी रात के बज रहे हैं 7:30। तो गाइज, आज तो रोटी वगैरह भी नीचे गांव से आ रखी है, क्योंकि एक जगह तो हमारे परिवार में बरसी थी, और गांव में ही दूसरी जगह सगाई थी, तो वहां से रोटी के लिए न्योता था, तो रोटी बनके वहां से आई है। तो श्रेयांश की मम्मी जा रखी थी गाँव में, तो वो लेके आ गई है। तो गाइज, अभी खाना खाने के लिए भी बुला रहे हैं, तो नीचे चलते हैं। तो फाइनली गाइज, रात के 9 बज चुके हैं, और मैं और श्रेयांश आ गए हैं ऊपर, और श्रेयांश की मम्मी भी। तो श्रेयांश यहाँ पे लगा हुआ खेलने पे, तो ये है श्रेयांश, है ना, ना? तो गाइस, श्रेयांश तो खेल रहा है इधर, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस, ये श्रेयांश लगा हुआ है खेलने पे, और मटका रखा हुआ हाथ में। श्रेयांश इधर देख, ये देख, ये ओए ओए कर दे, इधर देखिए, ये खेलने पे लगा हुआ है, तो अभी देख नहीं रहा इधर, ये मटका रखा हुआ है। ओए इधर देख, ये यहाँ देख, नहीं देख रहा, अभी मस्त है, मस्त हो रखा है, तो इसलिए नहीं देख रहा इधर, घूम जा। अब देखो उधर ऊपर चल रहा है, ये पिट्टी। तो फाइनली गाइज, रात के 9:30 बज चुके हैं। तो गाइज,
आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एंड बाय बाय।